नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग गुवाहाटी से निकले थे हमारे गांव के लिए। अभी मैं अपने गांव में पहुंच गया, जो मेरा सिटी का नाम है वो है लामडिंग। और यहां पे इस वीडियो में डेडिकेटली हम लोग कवर करेंगे यहां का दुर्गा पूजा, जो कि बहुत फेमस है। मैं आपको पूरा विजिट कराऊंगा दुर्गा पूजा सभी। और इसके बाद हमारा मेघालय का सीरीज आने वाला है, तो ये जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये सभी इसी वीडियो में कवर करने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। और इसके बाद हमारा मेघालय का सीरीज शुरू हो जाएगा। ये वीडियो में तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ का सबसे पुराना टेम्पल, जो कि है कालीबाड़ी। यहाँ का पूजा जो है देखने लायक होता है, और ये सबसे यहाँ का पूजा सबसे ग्रैंड भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज है षष्ठी पूजा का पहला दिन। दोस्तों, ये जो है ये मेरा नेफ्यू है, तो ये भी छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है इसका भी, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है ये इधर से हैंडल कर रहा है। आप खाली देखिए कितना टैलेंटेड है, देखिए आप थोड़ा बात कीजिए। Hi guys, तो आज हम लोग आ चुके हैं हमारे फैमिली लेके जगृति संग्रह पूजा में, जो हमारा फर्स्ट पूजा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पूजा। बाय। पूजा है ना मंडप, ये बहुत पुराना है। तो हमारे साथ बैठे रहिए, और भी एक्साइटिंग एक्साइटिंग जगह पे हम जाने वाले हैं। तो हाय गाइस, तो हम लोग पूजा में आए हैं, स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे, तो हम आज खा रहे फैमिली मिलके एग रोल, ओके। फ्रेंड्स, दुर्गा पूजा के टाइम में जैसे कि आप देख ही सकते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे 5 बजे के बाद सभी टू व्हीलर और फोर व्हीलर सभी बंद हो जाता है। तो एक पंडाल से जो दूसरा पंडाल है वहाँ पे आप आराम से पैदल घूम सकते हैं, और डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं रहता है। गाइस, तो ये जो आप लोग पीछे देख रहे हो, ये हमारे लामडिंग का बहुत ही पुराना दुर्गा पूजा यहाँ पर होता है। तो आइए चलिए अंदर देखते हैं क्या है। तो हम लोग फिर से आ गए कालीबाड़ी। तो सप्तमी से ही लेके यहाँ पे नवमी तक पूरा, मतलब यहाँ पे क्राउड से भरा हुआ रहता है। और यहाँ पे जो हमारा लोकल ट्रेडिशनल संगीत है वो बजता रहता है, और उसी के धुन में सभी डांस करते रहते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बोलने से ऐसे आपको मज़ा नहीं आएगा। हाय गाइस, तो हम लोग दुर्गा पूजा में आए हैं, और बिरयानी नहीं खाएंगे ये तो हो ही नहीं सकता। नमस्ते फ्रेंड्स, आज अष्टमी है। आज हम लोग ये लामडिंग का सबसे फेमस जगह दुर्गा पूजा होता है यहाँ का, मेरे गांव का। तो सभी आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। वैसे तो हमारा टाउन में बहुत सारा दुर्गा पूजा होता है, तो इसमें से भी जो भी अच्छा अच्छा पूजा होता है, जो जगह हमको देखने अच्छा लगा, तो वही जगह का वीडियो हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जो हमारे यहाँ का बेस्ट दुर्गा पूजा होता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं शीतला पूजा में, शीतलाबाड़ी में। तो यहाँ का इंडिया का सबसे बड़ा शीतला माता का मंदिर है, आप देखिए मंदिर को,
बहुत अच्छा सा। और यहाँ पे जो शीतला माता है बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा साइज का शीतला माता है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रामकृष्ण मठ। हम लोग रामकृष्ण मठ में हैं, प्रसाद लेने के लिए आए। देखिए प्रसाद कितना टेस्टी लग रहा है देखने के लिए। गाइस बहुत ही टेस्ट हुआ है खाना। ठीक है, दुर्गा पूजा के टाइम में आप लंबी आने के बाद यहाँ पर जरूर आना, जरूर आना। यह है रामकृष्ण मठ का अंदर का नज़ारा। साउथ इंडियन कॉलोनी का पूजा। हम आए हैं न्यू कॉलोनी लामिंग पूजा में। चलिए देखते हैं यहाँ का पूजा कभी फेमस रहता है। आप आज इस साल में क्या बना है चलिए देखते हैं। ये रहा न्यू कॉलोनी का पूजा, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया फ्रेंड्स। चलिए अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो आप दूसरा समय में आसाम में कभी भी आ सकते हैं, बट वो दुर्गा पूजा के टाइम में जो होता है वो आप देखिए पूरा सिटी को पूरा लाइट से डेकोरेट किया जाता है। हमारा जो पूरा गांव है पूरा गांव को ऐसे लाइट से डेकोरेट किया गया हुआ है। और लामलिंग में जो कोई भी रहता है उसको काली बारी तो मतलब आना ही आना है। जितना भी आदमी लोग होता है एक बार काली बारी जरूर विजिट करते हैं। देखते देखते समय कैसा चला गया फ्रेंड्स पता ही नहीं चला। और आज आ गया है नवमी, तो नवमी का रात दोस्तों के साथ, तो हम लोगों ने दोस्तों के साथ मिलके बहुत ही मजा किया, स्पेशली मैंने। समझ रहे हो ना? तो मैंने तो फ्रेंड्स बहुत ही मजा किया, पूरा रात गाड़ी लेके यहाँ से वहाँ। तो मैंने सचमुच फ्रेंड्स मुझे तो इस बार बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। रात को जैसे हम लोगों ने मजा किया था वैसे ही दिल में थोड़ा दुख भी था, तकलीफ भी था। फिर कल तो दशहरा है, उसके बाद ये इस साल के लिए हम माँ को विदाई देना पड़ेगा, पर क्या करें। आज है दशहरा तो हम लोग अभी सिंदूर खेला होता है उधर खेलने के लिए आए। चलिए देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है। अभी तो ये सिंदूर खेला खत्म हो गया, तो आज माँ को विदाई देने का टाइम हो गया। बड़े भारी मन से आज हम माँ को विदाई दे रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
हमको खुद पता नहीं चला। तो इन दिनों में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और देख सकते हैं जो जगह कल तक इतना रश होता था आज ये जगह पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसी के साथ ये जो हमारा ये दुर्गा पूजा का वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो हमारा मेघालय का सीरीज आने वाला है उसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और ये इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे। धन्यवाद।